समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में, हमारे देशवासियों के जीवन में एक अनोखा पल आने वाला है और ये पल हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में आइए, हमारे साथ हैं मैडम शालू और हम उनसे कुछ बातें करते हैं। तो शालू जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि राम शब्द का क्या अर्थ है। राम धातु में घन प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। राम धातु का अर्थ रमण अर्थात निवास या विहार, जो प्राणी मात्र के हृदय में रमण अर्थात निवास करते हैं वो ही राम है। रमते कने कने इति रामाय। करेक्ट, बिल्कुल। वैसे तो बहुत ज्यादा मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, पर हमारे दर्शकों को जरूर समझ में आ रही होगी बात। तो शालू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि रामचंद्र जी कौन थे। ब्रह्मा जी के पुत्र, दरीची के पुत्र, महर्षि कश्यप तथा इक्ष्वाक वंश के प्रतापी राजा दिलीप के पुत्र, राजा रघु के कुल में जन्मे महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया। करेक्ट। जैसा कि शालू जी ने बताया, हम सब जानते हैं रघुकुल के प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। तो शालू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, कुछ आइडिया है इसका। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित ग्रह स्थिति के आधार पर डॉक्टर पीवी वर्तक की गणना के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व दिन में 1:30 से 3 के बीच हुआ तथा प्रोफेसर तोबस के अनुसार 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व दिन में 12:25 पर हुआ। क्या बात है। दर्शकों, जैसे आपको पता है कि शालू जी ने बताया कि रामचंद्र जी बहुत पहले त्रेता युग में पैदा हुए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि दो विद्वानों का मत है कि वो कब पैदा हुए। उसका कारण यह है कि जो वाल्मीकि रामायण में दिए गए लक्षण हैं, जो उनकी घटनाएं बताई गई थी उस समय, उनके जन्म समय पर, वो अब तक 2 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये दोनों बार में किसी एक ऐसा समय होगा जहां जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ होगा। बिल्कुल शालू जी। शालू जी, अच्छा आप ये बता पाएंगे कि हमारे देश में तो भगवान रामचंद्र जी की पूजा होती है, क्या कोई और ऐसा देश है जहां पे हम वहां के लोग रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के अलावा विश्व के कई अन्य देशों में भी पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि। That's great। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में भगवान रामचंद्र जी की पूजा होती है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे भगवान राम को मान्यता मिली है और उनकी पूजा की जाती है, उन्हें इस देव माना जाता है अपना। That's great। अच्छा शालू जी, क्या आपको पता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना कब होगी। काशी के विद्वान पंडितों ने 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी के अभिजीत मुहूर्त में 12:29:08 से 12:30:32 के मध्य बाल रूप रामलला के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला है। मतलब अभी जनवरी के महीने में 2024, जैसा आप बच्चों आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जैसा कि शालू जी ने बताया। तो शालू जी, चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, कुछ ऐसा जो उनको ध्यान रखना चाहिए।
श्री रामचंद्र के पुत्र भरत के देश भारत के समस्त गौरवान्वित वासियों से मेरा निवेदन है कि श्री राम किसी धर्म के पर्याय नहीं बल्कि मानवता के प्रतिरूप हैं, जो कि एक आदर्श महापुरुष हैं, जिनके अनुकरण मात्र से ही हमारे जीवन की सारी परेशानियों का हल मिल जाता है। गर्व से बोलो जय श्री राम। करेक्ट, बिल्कुल सही शालू जी, बिल्कुल। बच्चों आपको जैसे मालूम है कि भगवान श्री राम सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि एक पुरुषोत्तम है, महापुरुष है, जो इंसानियत की पहचान है। तो हम उनको धर्म से अगर नहीं जोड़ना चाहते तो मत जोड़िए, पर इंसान तो अच्छे हैं, जिनके अनुकरण, जिनके जीवन शैली, जिनके विचार, जिनके व्यवहार को अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमें लगता है हमारे सारे परेशानियों का हल मिल जाएगा और सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और इसी नोट के साथ मैं शालू जी का धन्यवाद देता हूँ कि शालू जी आपने अपने विचार दिए, और हमारे समस्त दर्शकों का धन्यवाद कि उन्होंने शालू जी की बातें सुनी। जय श्री राम।